निया शर्मा की घर से हुई विदाई। दो घूंट सॉन्ग के प्रमोशन के लिए निया शर्मा बनी थी घर की मेहमान। बिग बॉस ओटीटी से निया शर्मा की विदाई हो गई है। दरअसल घर में निया शर्मा की तूफानी एंट्री दिखाई गई थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा था कि वो बतौर कंटेस्टेंट घर में आई हैं। लेकिन शमिता शेट्टी और नेहा भसीन की बातें सुनकर ये अंदाज़ा लग गया था कि निया शर्मा ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि वो अपना छोटा सा लगेज बैग लेकर आई हैं और अगर वो कंटेस्टेंट बनकर आती तो उनके साथ उनका पूरा लगेज भी आता। तो अब ये साफ हो गया है कि निया शर्मा घर में बतौर मेहमान आई थी और वो अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी के प्रमोशन के लिए घर में मेहमान बनी थी। इसीलिए टास्क के दौरान भी म्यूजिक वीडियो पर कनेक्शंस से डांस करवाया गया और निया शर्मा की विदाई के समय भी म्यूजिक ट्रैक घर में बजाया गया, जिस पर घर के सभी सदस्य निया शर्मा के साथ जमकर डांस करते नजर आए और हंसते गाते नाचते गुनगुनाते निया शर्मा की बिग बॉस के घर से विदाई हुई। निया की विदाई के समय घर के सभी सदस्य एक्साइटेड दिख रहे थे और सभी ने उन्हें गले लगाकर उनकी विदाई की। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि निया शर्मा की वाइल्ड कार्ड के तौर पर भले ही एंट्री दिखाई गई थी, लेकिन वो घर में कंटेस्टेंट नहीं बल्कि मेहमान बनकर आई थी और उनका सफर अब यहीं खत्म हो गया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निया के आने के बाद दिव्या को जो कनेक्शन मिला था और निया के जाने के बाद दिव्या अब बिना कनेक्शन के रह गई हैं। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।